2014 के चुनाव से पहले एक बार फिर से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी अपनी तुलना अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन से ना करें, क्योंकि बंगाल में घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में घोटाले हुए हैं और उसकी जांच कोर्ट की निगरानी में हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल में जो मुद्दा है, जो घोटाले हुए हैं, ये कोर्ट के फैसले की बदौलत आम लोगों के सामने उजागर हुए हैं। ममता अपनी तुलना केजरीवाल और सोरेन से ना करें, क्योंकि आम लोगों को पता है कि केजरीवाल और हेमंत के खिलाफ क्या हुआ और ममता बनर्जी और उनके खोका बाबू अभिषेक बनर्जी के खिलाफ क्या हुआ। कोर्ट की निगरानी में सारे घोटालों की जांच हो रही है। अधीर रंजन चौधरी ने आगे ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार को लेकर तंज कसते हुए कहा कि दीदी हमारी बहुत चलाकी करती हैं, दीदी दो को चार कर देती हैं, दीदी आम लोगों को गुमराह कर रही हैं। चुनाव आयोग ने आज गृह मंत्रालय को पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों की 100 और कंपनियों को तैनात करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर कांग्रेस नेता ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हर बूथ पर केंद्रीय बल की तैनाती जरूरी है, खासकर बंगाल में। हम लंबे समय से उनकी तैनाती का अनुरोध कर रहे हैं। राज्य पुलिस और अन्य अधिकारी राज्य सरकार का पालन करते हैं, इसलिए विपक्ष के रूप में हम उन पर भरोसा नहीं करते। राज्य अधिकारी इस चुनाव को नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास करें। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय बलों और सीसीटीवी की तैनाती महत्वपूर्ण है। राज्य के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना भी महत्वपूर्ण है।